आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे सेंटेंसेस जिसे आपको अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलना होता है, और इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसीलिए अक्सर लर्नर सोचते रह जाते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें या कैसे बोलें। तो आइए फ्रेंड्स, सीख ले वो सेंटेंसेस जिसे आपको जान लेना चाहिए। अगर आपको कहना हो वह डॉक्टर बना फिरता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही पासेज फॉर अ डॉक्टर, यानी वह डॉक्टर बना फिरता है। अगर आपको कहना हो उसकी जान में जान आई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हीव्ड अ साइ ऑफ रिलीफ, यानी उसकी जान में जान आई। अगर आपको कहना हो यह सुनी सुनाई बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज ऑनली अ हियर से, यानी यह सुनी सुनाई बात है। कई बार आप कहते हैं वह खुशी से फूले नहीं समा रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, यानी वह खुशी से फूले नहीं समा रहा है। अगर आपको कहना हो मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, यानी मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको कहना आसान है करना मुश्किल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सूनर सेड देन डन, यानी कहना आसान है करना मुश्किल है। कई बार आप कहते हैं करे कोई भरे कोई, तो जब आपको कहना हो करे कोई भरे कोई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन लेज अनदर पेज, यानी करे कोई भरे कोई। जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एज यू सो सो यू विल रीप, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। कई बार लोग इस बात को ऐसे भी कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो चाहे आप कहें जैसी करनी वैसी भरनी या जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे, इन दोनों सेंटेंसेस के लिए आप कहेंगे एज यू सो सो यू विल रीप, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको कहना हो कि गया वक्त वापस नहीं आता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, यानी गया वक्त हाथ नहीं आता। अगर आपको कहना हो देर आए दुरुस्त आए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको कहना हो कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टीचिंग अदर्स इज टीचिंग योरसेल्फ, यानी नॉलेज या इल्म बांटने से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इन सभी सेंटेंसेस को आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा। इनमें से कौन कौन एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस को जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए बाय।